Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. मैं एक बार आप सभी का फिर इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी एंड एलिमेंट्री स्टेट एनालिसिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है और इस व्याख्यान में इस लेक्चर में हम सांख्यिकी की मौलिक अवधारणाएँ अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे मेरा नाम श्रेष्ठ यादव है और मैं वर्तमान समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है पैरामेट्रिक एंड स्टेटिस्टिक पैरा और सांख्यिकी ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से काफी मिलते हुए हैं या हम यूं कह सकते हैं ये लोग काफी दोनों कॉन्सेप्ट एक हद तक एक ही हैं लेकिन इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर हैं हम पहले उन मुख्य अंतर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है जनसंख्या पर आधारित यहाँ जनसंख्या का अर्थ है कि जो रिसर्च पॉपुलेशन है अर्थात उस रिसर्च से रिलेटेड जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन पर जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उस रिसर्च पॉपुलेशन के प्रत्येक व्यक्ति पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा का एनालिसिस करने के पश्चात जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अवेलेबल होती हैं हम उन्हें कहते हैं पैरामेट्रिक इसका अर्थ हुआ कि पैरामेट्रिक का बेसिस पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी पर्सन पर किए हुए डेटा का एनालिसिस है अगर एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर हमारी रिसर्च की पॉपुलेशन है 20 से लेकर 25 साल के सभी व्यक्ति सभी मेल व्यक्ति तो उन व्यक्तियों पर जब हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे और फॉर एग्जांपल हम लोग एक पैरामेट्रिक डिसाइड अवेल करते हैं कि उनका 35 uh, 20 ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एज के जो मेल पार्टिसिपेंट है मेन आईक्यू लेवल फॉर एग्जांपल वन टेन है इसके बाद आता है सांख्यिकी सांख्यिकी में हम ये जो अनुमान ये जो अंक निर्धारण करते हैं पॉपुलेशन के प्रत्येक व्यक्ति पर डेटा कलेक्ट ना कर जो हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं उस सैंपल पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और सैंपल पे जो डेटा कलेक्ट हुआ है उस डेटा कलेक्शन का एनालिसिस करके सैंपल की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जो हम नूमेरिकल इवेल्युएशन प्रेजेंट करते हैं या जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आती है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं इसे हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं अगर आप देखेंगे इस चित्र में दो वर्ड लिखे हुए हैं वन इज पी सेकेंड इज एस पी इज फॉर द पॉपुलेशन एस इज फॉर द सैंपल अर्थात अगर हमने पूरी पॉपुलेशन अगर ये पूरी पॉपुलेशन है और इसमें ये व्यक्ति है इन सभी व्यक्ति पर डेटा कलेक्ट किया है और उससे जो हमारे पास नूमेरिकल वैल्यू आई है नूमेरिकल इवेल्यूशन है उसे हम कहेंगे पैरामेट्रिक लेकिन जब हम इस पॉपुलेशन के एक सबसेट जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो इस पॉपुलेशन का उस पर डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा एनालिसिस से जो हमारे पास नूमेरिकल एक्सप्लेनेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं सांख्यिकी तो जब हम लोगों ने आखिरी लेक्चर में विज्ञान मनोविज्ञान मनोविज्ञान में विज्ञान की भूमिका प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कशन किया था तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ शब्दों का प्रयोग बहुत बार किया उन शब्दों में एक शब्द था डेटा जिसके बारे में हम लोगों ने आखिरी लेक्चर में डिस्कशन किया उसके अलावा एक और वेरिएबल था सॉरी एक और शब्द था वेरिएबल क्योंकि हम जितने भी अनुसंधान करते हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें उसके वेरिएबल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदाप करते हैं तो सबसे पहले हमें जानने की ये आवश्यकता है कि वेरिएबल आखिर हम कहते किसे हैं तो वेरिएबल बहुत सामान्य शब्दा में शब्दों में कोई भी वस्तु कोई भी इवेंट कोई भी चीज़ जो अपने स्तर लेवल में अपने मैग्नीट्यूड महत्व में अपनी क्वांटिटी मात्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता हो तो उस तरह की एंटिटी को उस तरह की थिंग को उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं वेरिएबल इसका एक हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं जैसे व्यक्तियों की उम्र यहाँ पर उम्र एज एक वेरिएबल है क्यों क्योंकि उम्र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में बदल सकती है उम्र उसी व्यक्ति की आज से कुछ समय बाद बदल जाएगी तो ये एक वेरिएबल की जो करेक्टरिस्टिक्स है उन्हें कंप्लीट करता है एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं टेम्परेचर 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 इस कमरे का बाहर का डिफरेंट होगा इसी कमरे का टेम्परेचर हम एसी से रेगुलेट कर सकते हैं और कुछ समय बाद इस कमरे का टेम्परेचर अपने आप अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर सकता है बाहर के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली तो ये दोनों जो हैं एक वेरिएबल के उदाहरण हैं लेकिन वेरिएबल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मापन मापन क्यों एसेंशियल है जैसे हमने कहा कि वेरिएबल अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर सकता है लेकिन उसने अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज किया और वो जो नूमेरिकल वैल्यू में बदलाव आया वो हमें कैसे ज्ञात होगा वो ज्ञात होगा यदि हम उस वेरिएबल को मेजर कर सकते हो जैसे एक उदाहरण के लिए हम एग्जांपल लेते हैं आत्मा आत्मा को हम एक वेरिएबल क्यों नहीं मान सकते हैं अभी तक क्यों क्योंकि आज के समय में हम आत्मा को मेजर नहीं कर पा रहे हैं हो सकता है कल को हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हों जिनके माध्यम से अगर ये आत्मा एक इवेंट की तरह एक ऑब्जेक्ट की तरह स्थित है अगर हम उसे कल मेजर कर पाएंगे तो कल हो सकता है हमारे लिए वो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो लेकिन आज हम उसे वेरिएबल नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उसका मापन पॉसिबल नहीं है तो कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी इवेंट जिसका मापन किया जा सकता हो किसी स्टैंडरडाइज मेजरमेंट के थ्रू उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जा सकती हो और उस, उस वस्तु में उस एंटिटी में उस एलिमेंट में उस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करने की कैपेसिटी अवेलेबल हो तो हम उसे कहेंगे वेरिएबल अब वेरिएबल में हम बार बार एक बात को कहे जा रहे हैं वो है परिवर्तन change. अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि variable में किस तरह के परिवर्तन पॉसिबल हैं या परिवर्तन के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं अब हम इसमें दो तरह के आयाम मिल सकते हैं हमें पहला आयाम जब दो व्यक्तियों के बीच में उस वेरिएबल की वैल्यू में डिफरेंस हो अब हम इसमें दोबारा एज का ही एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पचास बच्चे बैठे हुए हैं तो अगर हम सबका डेटा कलेक्ट करें तो हम पाएंगे कि एक स्टूडेंट की एज दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है अर्थात एज में वेरिएबिलिटी पॉसिबल है तो हमने उसे कहा इंडिविजुअल में वेरिएबिलिटी एक इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल इसके अंदर वेरिएबिलिटी पॉसिबल है अब हम कह रहे हैं दूसरा आयाम दूसरा आयाम है जब उसी व्यक्ति के अंदर पॉसिबिलिटी हो उस वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करने की जैसे एज आज जो मेरी एज है वो अब से कुछ समय पहले अलग थी आज जो मेरी उम्र है वो कुछ समय बाद अलग होगी अर्थात एज दो व्यक्तियों के ही बीच में नहीं उस व्यक्ति के भी डिफरेंट डिफरेंट स्थिति में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू ओन करती है इसलिए हम उम्र को वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंटेलिजेंस अगर हम यहाँ सभी बैठे विद्यार्थियों की इंटेलिजेंस को मेजर करें तो एक विद्यार्थी की आईक्यू का लेवल अलग होगा दूसरे की आईक्यू का लेवल अलग होगा और आईक्यू का लेवल जो मेरा आज है वो हो सकता है कल को कम हो जाए हो सकता है आई का लेवल ज्यादा हो जाए तो ये जो पॉसिबिलिटी है IQ के एज ए वेरिएबल डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं वेरिएबल के बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल का जस्ट अपोजिट जहां वेरिएबल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर सकता है कांस्टेंट के अंदर यही क्वालिटी अवेलेबल नहीं होती है कॉन्स्टेंट जैसे पाई 22 टू डिवाइडिंग बाय सेवन ये वैल्यू पाई की कॉन्स्टेंट है आपके लिए मेरे लिए किसी और के लिए इंडिया में यूएसए में ये सारी की सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो इस तरह की जो एंटिटीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेंट कांस्टेंट का अधिकतर समय में हम रिसर्च में उपयोग नहीं कर पाते हैं इसका एक कारण है क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का परिवर्तन पॉसिबल नहीं है तो अगर उसके अंदर परिवर्तन पॉसिबल नहीं है तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है उसका रिसर्च में उपयोग करना खास तौर पर साइकोलॉजिकल रिसर्च में उसका उपयोग करना अब हम वेरिएबल के बाद वेरिएबल के अर्थ को जानने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं कि वेरिएबल के प्रकारों को समझा जाए हम वेरिएबल के अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके से टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं हम उन बुक्स और उन स्कॉलर्स की नॉलेज को कंसीडर करते हुए डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे जैसे वेरिएबल के टाइप्स में सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें वेरिएबल को दो हिस्सों में बांटा गया है जिसमें पहला है गुणात्मक दूसरा है मात्रात्मक अर्थात क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किसी भी वेरिएबल में दो गुण पाए जा सकते हैं एक उसका क्वालिटेटिव गुण दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो गुणात्मक जो वेरिएबल होते हैं वो किस तरह की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं जैसे जेंडर जेंडर क्या है यह मेरा एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है कलर ऑफ हेयर, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑक्युपेशन क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन रेजिडेंस मैं कहाँ से बिलोंग करता हूं क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन में जो कैटेगरीज होती हैं वो मेरे विभिन्न तरह के गुणों के जो डिफ़रेंट डिफरेंट कैटेगरीज पॉसिबल कैटेगरीज हो सकती हैं उनका वर्णन करती हैं उसके बाद दूसरे तरह के जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जो हम मापन करते हैं या गुणों का प्रदर्शन करते हैं उन्हें बताते हैं उसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं इसीलिए उसे क्वांटिटेटिव कहते हैं न्यूमेरिकल इसमें जैसे पहला हमने लिया है हाइट दूसरा टाइम अब हाइट और टाइम हाइट और टाइम को हम नूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जैसे हाइट हो सकता है हम सेंटीमीटर में कलेक्ट करें हो सकता है हम मीटर में कलेक्ट करें हो सकता है हम फीट में कलेक्ट करें बट ये जो कलेक्शन होगा इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पॉसिबल होंगी जैसे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर फाइव मीटर फाइव फिट सिमिलरली टाइम टाइम नूमेरिकल वैल्यू दो बजकर तीस मिनट डिस्टेंस फाइव किलोमीटर टेन किलोमीटर डिपेंड्स टेम्परेचर एंड एज ये जो वैल्यूज हैं इन्हें हम नूमेरिकल वैल्यूज के साथ अपना एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं तो इस तरह के क्लासिफिकेशन में एक वेरिएबल के दो प्रकार बताए गए हैं पहला क्वालिटेटिव दूसरा क्वांटिटेटिव अब हम चलते हैं दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन पर कुछ स्कॉलर्स ने वेरिएबल के दो अलग तरीके से क्लासिफिकेशन दिए हैं जिसमें पहला उन्होंने बताया है सततर सततचर दूसरा असतक्षर कंटिन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल अब हम जानते हैं कि कंटिन्यूस वेरिएबल किसे कहते हैं और डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहते हैं इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है कंटिन्यूस वेरिएबल में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें जो डेटा पॉइंट हमें मिलते हैं उन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में किसी और डेटा पॉइंट या न्यूमेरिकल वैल्यू के आने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जबकि डिस्क्रीट वेरिएबल में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं और जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसके दो पॉइंट्स के बीच में आने वाले किसी और डेटा की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है एक उदाहरण की तरह समझते जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल किसी भी परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है पांच चार सात या एक परिवार में बच्चों की संख्या दो तीन एक किसी भी परिवार में फैमिली मेंबर्स की संख्या सात और पाँच के बीच में सेवन पॉइंट फाइव पॉसिबल नहीं है क्योंकि परिवार में या तो सात सदस्य होंगे या पाँच होंगे या चार होंगे तो इन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में और कोई डेटा पॉइंट पॉसिबल नहीं है अगर आपने किसी से पूछा कि आपके परिवार में कितने बच्चे हैं तो एक होगा दो होंगे तीन होंगे हो सकता है वो बताए एक बड़ा बच्चा है एक छोटा बच्चा है लेकिन जब हम उसकी नूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे तो बच्चे दो ही होंगे हो सकता है वो उनकी जब एज बताए तब वो कंटिन्यूस वेरिएबल में बताए क्योंकि एज के डेटा में पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई चौदह साल का है फिर पंद्रह साल का है तो फोर्टीन एंड फिफ्टीन के बीच में कोई और डेटा पॉइंट पॉसिबल है या जैसे टेम्परेचर अगर टेम्परेचर के दो डेटा पॉइंट हैं ये दो डेटा पॉइंट हम अज्यूम करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इन दो डेटा पॉइंट के बीच में और भी कोई डेटा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में डेटा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हम इसे बोलते हैं कंटीन्यूस मतलब कंटिन्यूटी में ये चीज़ें चल रही है दूसरा है असतत या डिस्क्रीट डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है एक डेटा पॉइंट एंड दूसरा डेटा पॉइंट स्टार्ट और इन दोनों डेटा पॉइंट के बीच में कोई और डेटा पॉइंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा इन दो क्लासिफिकेशन के बाद एक और क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली इन दोनों क्लासिफिकेशन का एक इंटीग्रेटेड मॉडल है ये आप कह सकते हैं कि इन दोनों क्लासिफिकेशन को इस क्लासिफिकेशन में ऐड कर दिया गया है तो इस क्लासिफिकेशन में अगर आप पहले देखेंगे तो एक है गुणात्मक दूसरा है मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव के कोई और पार्ट नहीं है लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा को अगेन दो हिस्सों में बांटा गया है जिसमें कंटिन्यूस सतत और डिस्क्रीट असतत वेरिएबल। तो हमने पहले वाले क्लासिफिकेशन में जो पढ़ा था उसमें ये दो टाइप हमने डिस्कस किए थे दूसरे वाले क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस किया था ये दोनों टाइप इस क्लासिफिकेशन में इन दोनों टाइप को मर्ज कर दिया गया इंटीग्रेट कर दिया गया और बताया गया कि वो जो सेकेंड वाला क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली क्वांटिटेटिव डेटा का एक्सटेंडेड क्लासिफिकेशन है तो इसका अर्थ हुआ कि हम इन दोनों क्लासिफिकेशन को मर्ज करके एक क्लासिफिकेशन में भी डेटा के टाइप सॉरी वेरिएबल के टाइप समझ सकते हैं इसके बाद हम लोग जब फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे वेरिएबल का डेटा का तो जब भी हम वेरिएबल वर्ड यूज़ करते हैं जब भी हम डेटा वर्ड यूज़ करते हैं तो हम एक और वर्ड बार बार यूज़ करते हैं जिसको हम कह रहे थे मापन मेज़रमेंट जब तो हमने वेरिएबल की डेफिनेशन दी थी उस समय भी हमने ये क्लियर कहा था कि वेरिएबल वही पॉसिबल है किसी भी रिसर्च में जिसका आप मापन कर सकते हो तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर मेजरमेंट या मापन किसे कहते हैं तो मेजर या मापन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम उसे एक एक तरीके से डिस्कस करते हैं पहला मापन एक प्रोसेस है प्रोसेस का क्या अर्थ है कि ये कोई एग्जैक्ट एक पिन पॉइंट नहीं है कि स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड प्रोसेस है प्रोसेस का अर्थ है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया इन्वॉल्व होती है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए दूसरा मापन में हम किसी वस्तु एंटिटी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट जो विशेषताएँ करेक्टरिस्टिक्स है, होती हैं उनके लेवल मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी को मेज़र करते हैं यहाँ पर तक बहुत क्लियर है लेकिन मेजरमेंट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एंड स्टैंडर्डाइज किसी भी मेज़रमेंट के प्रोसेस को तब तक स्टैंडर्डाइज या यूनिवर्सलाइज नहीं किया जा सकता तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसका हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जैसे गांव में जब आप जाते हैं तो वो जब खेत का माप करते हैं या मेज़र करते हैं तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उस मेज़रमेंट को बताते हैं जैसे खेत कितना है पाँच बीघा खेत कितना है सात बीघा लेकिन उस पाँच बीघे के जो इंटरनल बीसा हैं वो कितने बीसे का वो बीघा है इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है तो जब हम खेत का जो आकार है जो खेत की स्थिति है उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो बीघा में डिस्कस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसे हेक्टेयर में डिस्कस करें क्योंकि हेक्टेयर में जब हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे तो वो एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है एक यूनिवर्सल वे है प्रेजेंटेशन का तो दोनों लोगों के समझने में अंतर कभी नहीं आएगा जैसे अगर एक प्रदेश में एक बीघा में अगर बारह बीसा होते हैं दूसरे के प्रदेश में अगर अट्ठारह बीघे होते हैं और हमने कहा पाँच बीघा मैंने जो अर्थ बताना चाहा और उसने जो अर्थ समझा इन दोनों में अंतर है तो क्या प्रॉब्लम आएगी अब जो मेरा मीनिंग मैं कन्वे करना चाहता था वो मीनिंग मैं कन्वे नहीं कर पाया किसकी वजह से क्योंकि मापन के लिए मैंने प्रक्रिया इस्तेमाल की थी वो यूनिवर्सलाइज और स्टैंडर्डाइज नहीं थी किसी भी प्रयोग में किसी भी रिसर्च में जब हम मापन की प्रक्रिया या मापन के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होना एसेंशियल है जैसे हमने इसमें देखिए दो एग्जाम्पल दो पिक्चर्स लिए हैं इंच टेप टेप इंच से जब हम किसी भी चीज का मापन करते हैं तो वो यूनिवर्सल और स्टैंडर्डाइज होता है क्योंकि वो जो इंच टेप जो डिस्टेंस मेरे लिए नाप रहा है वो दूसरे के लिए भी वही नापेगा इंडिया में भी वही नापेगा इंडिया के बाहर भी वही नापेगा सिमिलरली टाइम टाइम के साथ ये प्रॉब्लम है कि टाइम यूनिवर्सल भी है स्टैंडर्डाइज भी है लेकिन कॉन्टैक्ट और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है तो जब हम टाइम को माप करते हैं तो उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि कहाँ का टाइम जैसे बताया जाए इंडिया में इस समय दो बजे होंगे तो आप इसके साथ ये भी बता सकते हैं कि इस समय अमेरिका में कितने बजे होंगे क्योंकि ये जो टाइम का दोनों का मेजरमेंट है ये यूनिवर्सल तो नहीं है लेकिन स्टैंडर्डाइज है तो इस प्रकार टाइम को हम मापते हैं मापन के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो होता है डेटा डेटा ही हमारे रिसर्च हमारे प्रयोग को किसी भी एंड तक किसी भी रिजल्ट तक पहुंचाता है डेटा को उस एंड तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस हम किस प्रकार करते हैं और हमें किस किस तरह का डेटा एनालिसिस हम उस ऑप्टेन uh, डेटा के साथ कर से, कर सकते हैं ये निर्धारित करता है उस डेटा को मेज़र करते हुए लेवल ऑफ मेजरमेंट देखिए कोई भी रिसर्च बिना डेटा के पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी साइंस बिलीव करती है फैक्ट्स पे बिलीव करती है डेटा पे बिलीव करती है उस रिज़ल्ट पे जो उस डेटा पे एनालिसिस का आउटकम है सो नो डेटा नो एनालिसिस एंड डेटा इज़ ए आउटकम ऑफ मेज़रमेंट तो अब हमें आप ये जानना है कि जब हम मेज़र करते हैं तो हम किस किस लेवल पर किसी भी वेरिएबल uh, को मेज़र कर सकते हैं डेटा कॉमनली हम लोग दो फॉर्म में कलेक्ट करते हैं वन इज ए क्वान्टिटेटिव सेकेंड इज ए क्वालिटेटिव ये हम लोग पिछले स्लाइड्स uh, में डिस्कस कर चुके हैं तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ डिस्कस करना है लेवल ऑफ़ मेजरमेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट के हमने वेरिएबल को किस स्तर पर मापा है ये ही डिटरमाइन करता है कि उस वेरिएबल और उस डेटा के अंदर कौन कौन से मैथमेटिकल एट्रीब्यूट्स हैं और यही मैथमेटिकल एट्रीब्यूट्स ये डिटरमाइन करते हैं कि हम इस डेटा के साथ कौन कौन सा डेटा एनालिसिस के प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते अब क्यों हम फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं इसका आंसर हमने पहले दिया डिटरमाइन द स्टेटिकल एनालिसिस हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट हमारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को डिटरमाइन करता है निर्धारित करके बताएगा उसके बाद हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट हमें यह बताता है कि हमारे डेटा का मीनिंग क्या है जैसे जब हम लेवल ऑफ़ मेजरमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों के उदाहरण के साथ इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट ड्रॉइंग द इन्फ्रेंस फ्रॉम द रिजल्ट जैसे अगर हमने फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल लेवल पे डेटा कलेक्ट किया है नॉमिनल लेवल क्या होता है हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे तो अगर हमारा अब जब हमारे पास रिजल्ट आएगा हम उसका एनालिसिस करेंगे और जब हम उसका इन्फ्रेंस निकालेंगे तो इस बात पर निर्धारित होगा कि हमने वो डेटा नॉमिनल लेवल पर डेटा कलेक्ट किया था अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट तो यहाँ पर हमें चार तरह के टाइप्स बताए गए हैं मापन के स्तर के जिसमें पहला है नॉमिनल जिसे हम हिंदी में नामिक दूसरा है क्रमब सूचक या क्रमबद्ध जिसे हम ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट तीसरा है अंतराल जिसे हम इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट और चौथा है रेशियो रेशियो स्केल तो लेवल ऑफ मेजरमेंट के यही चार मुख्य प्रकार हैं नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो अब हम इनमें से एक एक प्रकार को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉमिनल स्केल नॉमिनल स्केल क्या है जब हम अपने ऑब्जेक्ट को मापन करते हुए कुछ विभिन्न तरह की कैटेगरीज में बांटते हैं उन कैटेगरीज का नाम देते हैं लेकिन हम किसी भी प्रकार से ये प्रमाणित करने की या ये प्रूफ करने की कोशिश नहीं करते हैं या ये अज्यूम नहीं करते हैं कि इन दो या तीन या चार कैटेगरीज के बीच में किसी भी तरह का ऑर्डिनल डिफरेंस है या कोई क्रम है या एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से बड़ी है एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से छोटी है या एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से हायर है अब इसे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं जैसे जेंडर जेंडर क्या है एक वेरिएबल अब जेंडर को जब हम नापते हैं या उसका लेवल ऑफ मेजरमेंट चेक करते हैं तो जेंडर के कुछ टाइप हो सकते हैं जैसे मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर तो हमने जब जेंडर को आ, मापा तो हमने उसका जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो तीन कैटेगरीज हैं जो तीन प्रेजेंटेशन हैं मेजरमेंट जेंडर को मेज़र करने के वो एक कैटेगरी मेल सेकंड कैटेगरी फीमेल थर्ड कैटेगरी थर्ड जेंडर तो हमने इस कैटेगरी को सिर्फ एक नाम दिया मेल दूसरी कैटेगरी को हमने नाम दिया फीमेल तीसरी कैटेगरी को हमने नाम दिया जेंडर लेकिन इन तीनों कैटेगरीज के, के बीच में हम ये कोई एजम्शन प्रूव नहीं कर रहे हैं कि मेल फीमेल से हायर होते हैं या थर्ड जेंडर फीमेल से हायर होता है या फीमेल थर्ड जेंडर से हायर होती है या इन तीनों में से भी कोई भी हरार की अवेलेबल है तो इसे हम कहते हैं नॉमिनल अर्थात सिर्फ हमने कैटेगरीज को एक नाम दे के अपना लेवल ऑफ मेजरमेंट कंप्लीट किया है यही चीज़ें हमने इस प्रेजेंटेशन में लिखी हैं निम्नतम या प्रथम क्योंकि ये वो पहली पहला लेवल ऑफ मेजरमेंट है और एक बिल्कुल शुरुआती मेजरमेंट है जेंडर रेजिडेंस आप शहर से बिलोंग करते हैं आप गांव से बिलोंग करते हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है ये सब नॉमिनल लेवल आपका रिलीजन ये सब नॉमिनल लेवल पर क्योंकि इन कैटेगरीज में हम किसी तरह की हैरारकी को अज्यूम नहीं कर पाते हैं ये किस पर वर्क करता है इक्वलेंस पर ऑल द कैटेगरीज आर इक्वल मेल आर इक्वल टू फीमेल फीमेल आर इक्वल टू थर्ड जेंडर थर्ड जेंडर इज इक्वल टू मेल जैसा हमने आपसे अभी कहा था कि ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है ये ये डिटरमाइन करता है कि हम जो हमारा डेटा कलेक्ट होगा उस पर किस तरह का स्टेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं तो जो हमारे पास नॉमिनल डेटा होता है उसमें हम अधिकतर अपने डेटा को जो प्रजेंट करते हैं तो फ्रिक्वेंसी में प्रजेंट करते हैं जैसे अगर हमने डेटा कलेक्ट किया सौ लोगों पर और हमें जेंडर का डेटा प्रेजेंट करना है तो हम क्या बताते हैं मेल फॉर एग्जांपल थर्टी थ्री सॉरी थर्टी फीमेल फॉर एग्जांपल फोर्टी देन थर्ड जेंडर वुड बी द थर्टी बिकॉज द टोटल एन इज हंड्रेड सो यहाँ पर हम अपने डेटा को मैक्सिमली फ्रिक्वेंसी पर के आधारित जो एनालिसिस होते हैं उन्हीं को हम करते हैं उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल और नॉमिनल स्केल में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि नॉमिनल स्केल में जो कैटेगरीज हैं उनमें हम किसी भी तरह का क्रमबद्ध पद्धति से उनको प्लेस नहीं कर सकते लेकिन ऑर्डिनल डेटा जैसा कि नाम से ही ऑर्डर इसमें एक इनबिल्ट ऑर्डर होता है ये जो कैटेगरीज हम बना रहे हैं ये कैटेगरीज अपने आप में एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास में पोजिशन फर्स्ट पोजिशन सेकेंड पोजिशन थर्ड पोजिशन तो जब हम कहते हैं मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई और कोई कहे मेरी क्लास में सेकंड पोजीशन आई और कोई और बच्चा कहता है मेरी क्लास में थर्ड पोजीशन आई तो इस लेवल ऑफ मेजरमेंट में बाय डिफॉल्ट एक ऑर्डर इनबिल्ट है ये कैटेगरीज एक दूसरे से डिफर भी हैं और एक दूसरे से एक ऑर्डर में प्लेस भी की जा सकती हैं क्योंकि जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई होगी उसने बाकी दोनों से जिसकी सेकंड और थर्ड पोजीशन आई है उन दोनों से ज्यादा मार्क्स गेन किए होंगे जिसकी सेकंड पोजीशन आई है उसने थर्ड पोजीशन से ज्यादा मार्क्स गेन किए होंगे अगर इसी में फोर्थ पोजिशन होती तो हम कहते हैं कि जिसकी फोर्थ पोजीशन आई है उसकी नंबर ऑफ परसेंटेज थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन इन तीनों से कम है तो टेक्निकलिटी क्या है टेक्निकलिटी ये है कि इस लेवल ऑफ मेजरमेंट में एक ऑर्डर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है इसीलिए हमने यहाँ पर पंक्ति और क्रम सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है जब हम ऑर्डिनल स्केल को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है ऑर्डिनल स्केल में अगर आप देखिए इस पीपीटी पे आप देखेंगे ध्यान से तो इसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी परसेंटेज आई है 97 परसेंट अब देखिए सेकंड पोजीशन 96 परसेंट तो जो फर्स्ट पोजीशन आई है और जो सेकंड पोजीशन आई है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये कितना होगा एक फर्स्ट पोजीशन होल्डर और सेकंड पोजीशन होल्डर के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक परसेंट का है अब हम सेकंड पोजीशन देखते हैं सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये है फोर परसेंट का एक और एज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल जो फोर्थ पोजीशन जिनकी आई है उनका नाइन्टी है अब जो थर्ड पोजीशन है और जो फोर्थ पोजीशन है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ फिर से एक परसेंट ऑर्डिनल स्केल की यही एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ऑर्डिनल स्केल में जो दो डेटा पॉइंट हैं या जो दो लेवल हैं इन दोनों लेवल के बीच में जो डिफरेंस है ये अनइक्वल हो सकता है या अधिकतर अनइक्वल होता है पहली पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में डिफरेंस एक परसेंट का सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में फोर्थ परसेंट का और थर्ड एंड फोर्थ में अगेन एक परसेंट का इसे कहा जाता है अनइक्वल इंटरवल तो जो ऑर्डिनल स्केल होते हैं उनके लेवल ऑफ मेजरमेंट में जो दो लेव जो लेव लेवल्स होते हैं उनके बीच में जो अंतराल होता है वो अनइक्वल होता है एक चार एक अनइक्वल इसके बाद एक और जो लिमिटेशन है ऑर्डिनल स्केल की कि ये के किसी एक स्पेसिफिक तरह का रेफरेंस पॉइंट नहीं बताता है रेफरेंस पॉइंट का अर्थ है जैसे अगर हम कहें कि दीज आर द फाइव बेस्ट प्लेयर्स फाइव बेस्ट प्लेयर्स फाइव बेस्ट प्लेयर का मतलब है कि जितने हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल प्लेयर्स थे उनमें से ये पांच बेस्ट प्लेयर हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पांचों प्लेयर जिस भी गेम के हैं उसकी सुपीरियर स्किल्ड प्लेयर हैं ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिन लोगों में से ये हैं उन लोगों को बिल्कुल खेलना ना आता हो और इन पांच को उनसे थोड़ा बेहतर खेलना आता है तो ये कौन हो गए उनके पांच बेस्ट ऑर्डिनल है लेकिन ये क्लियर नहीं होगा कि जो स्किल हम क्लेम कर रहे हैं कि दीज आर फाइव बेस्ट दे हैव ए हायर सुपीरियर स्किल ऑन तो दिस गेम और द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और द लोअर क्वाइट पॉसिबल वो बहुत अच्छा खेलना जानते हैं और क्वाइट पॉसिबल वो बहुत अच्छा खेलना नहीं जानते हैं लेकिन प्रजेंटेशन डेटा का ऑर्डिनल पर ही है तो वो एक आजम्पन देता है हायर टू लोअर का स्किल्ड हायर स्किल्ड लेस स्किल्ड एंड अगेन लेस टू लेस स्किल्ड ऑर्डिनल स्केल के बाद जो नेक्स्ट मापनी है उसे हम कहते हैं इंट्रेवल स्केल अब हम दोबारा से याद करते हैं हमने पहले वाली नॉमिनल स्केल में क्या डिस्कशन किया था कि नॉमिनल स्केल हमारे वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन कैटेगरीज़ के बीच में हम किसी तरह का ऑर्डर या क्रम प्रमाणित या अज्यूम नहीं करते हैं हम क्या क्लेम करते हैं कि उनके बीच में इक्वलेंस है इक्वल डिफरेंसेस हैं सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट में हमने क्या किया कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के बीच में एक ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ एक ऑर्डिनल लेवल पर हम उस अपनी कैटेगरीज को रख सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि वो जो ऑर्डिनल स्केल की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं दो कैटेगरीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट टू कैटेगरीज के बीच में इक्वल होगा इसकी पॉसिबिलिटी श्योर नहीं है हम लोग श्योर नहीं है कि वो भी इक्वल होगा इसी के लिए अब हम चलते हैं आगे इंटरवल स्केल इंटरवल स्केल में वो सारे गुण हैं जो नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल में एग्जिस्ट करते हैं इसके साथ एक और एड ऑन जो हुआ है वो है इकाइयों के बीच में समान अंतराल तो अब अगर हम नीचे की पिक्चर में देखेंगे तो देखिए एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी तीसरी कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी फिफ्थ कैटेगरी और इसमें जो डिफरेंसेस है वो इक्वल है कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री कैटेगरी वन और टू के बीच में जो डिफरेंस है इट इज इक्वल टू कैटेगरी टू एंड थ्री एंड कैटेगरी थ्री एंड फोर इसीलिए इसे बोलते हैं इंटरवल स्केल इसमें जो कैटेगरीज होती हैं उनके बीच में इक्वल इंटरवल एज्यूम किया गया है अगर यही बेस्ट है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे इस लेवल ऑफ मेजरमेंट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं तो अगर आप देखेंगे ये जो पहली कैटेगरी है इसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट बिलीव किया है मान लिया है लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं है नहीं कह सकते हमें चूंकि यहां से डेटा मिलना शुरू हुआ और ये हमारी पहली कैटेगरी थी इसी को हमने अज्यूम कर लिया कि यही ज़ीरो है तो इसीलिए इंटरवल स्केल में जो जीरो होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम जीरो मान के मानते हैं और इसीलिए उसे कहते हैं काल्पनिक शून्य काल्पनिक जीरो क्यों क्योंकि यहां पर जो डेटा स्टार्ट हो रहा है उसमें जीरो एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसी से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने हाँ पर काल्पनिक शून्य को माना है इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं मनोविज्ञान से मनोविज्ञान में एक वेरिएबल है जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस हमने पहले भी ये डिस्कस किया है इंटेलिजेंस एक व्यक्ति के अंदर ज़ीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर जीरो इंटेलिजेंस है अगर किसी इंटेलिजेंस के मेज़र पे उसका स्कोर ज़ीरो आया भी है तो इसका ये अर्थ हुआ कि वो जो मेज़र है वो जिस इंटेलिजेंस के जिस एलिमेंट को या जिस कंपोनेंट को मेज़र कर रहा है उसमें उसका स्कोर ज़ीरो आया है एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्लास का जब क्लास में अगर हमने एग्ज़ाम लिया कोई और उस एग्ज़ाम में किसी बच्चे के ज़ीरो आए तो इसके दो अर्थ निकलते हैं एक उसे कुछ नहीं आता है ज़ीरो आता है दूसरा अर्थ है कि उसे वो नहीं आता है जो एग्ज़ाम में पूछा गया ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसे आता है उस विषय के बारे में लेकिन जो सवाल उस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो उसे नहीं आते थे तो उसके नंबर कितने आए जीरो तो ये कहना कि उसे बिल्कुल कुछ नहीं आता है उसे जीरो आता है गलत होगा इसीलिए जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी से हम लोग काल्पनिक जीरो को यूज करते हुए इस श्रेणी के डेटा को एनालाइज करते हैं इसका एक एग्जाम्पल है सेल्सियस टेम्परेचर को नापने के लिए सेल्सियस में जीरो काल्पनिक है लेकिन जो दोनों के बीच में पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है वो इक्वल होता है तो यहां पर हम लोग इस कैटेगरी को यूटिलाइज कर सकते हैं लास्ट है रेशियो स्केल रेशियो स्केल में वो सारी क्वालिटीज हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी नॉमिनल ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल में है लेकिन क्या है नहीं है यहां पर यहां पर एक और सॉरी एक और चीज ऐड हुई है वो है वास्तविक शून्य वास्तविक शून्य का मतलब एब्सोल्यूट वास्तविक सुनने का अर्थ है कि जो हमारी पहली कैटेगरी है वहाँ पर जीरो एग्जिस्ट करता है जैसे टेम्परेचर को ही नापना कैलिविन स्केल में यहाँ पर ज़ीरो एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर रहा है कॉमनली जो रेशियो डेटा है वो हम लोग फिजिकल डेटा में कलेक्ट कर पाते हैं साइकोलॉजिकल डेटा में जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी इमोशंस के जो मेजर्स हैं ये उस वेरिएबल के एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को मेज़र करते हैं और ये क्लेम नहीं करते कि अगर मैं किसी पे इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल मेज़र करूं और अगर उसका स्केल में ज़ीरो आए भी तो हम ये क्लेम नहीं करते कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट ज़ीरो है इसीलिए रेशियो स्केल का मनोविज्ञान में बहुत कम आप देखेंगे उपयोग में आता है इसके बाद जब हम लोगों ने विज्ञान प्रयोग का डिस्कशन किया था तो हमने कुछ और शब्द भी बार बार यूज़ किए थे जिसमें एक था पॉपुलेशन और सैम्पल तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या है तो पॉपुलेशन का अर्थ हुआ अगर इस देश की मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो इस देश में जितने लोग रहते हैं वो इस देश की पॉपुलेशन है लेकिन यहाँ पर इस देश में रहने वाले सभी लोग इस देश की पॉपुलेशन है क्योंकि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस देश के किसी एक एलिमेंट को या जैसे हम कहना चाहें इस देश की इकोनॉमी तो अगर इस देश की इकोनॉमी पे हमें कोई रिसर्च करनी है इस पूरे देश की इकोनॉमी पर तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय उसका खर्चा उसकी इनकम हमारे पॉपुलेशन का एक पार्ट होगी लेकिन अगर हमारा उद्देश्य इस पूरे देश के सभी लोगों की इनकम को एनालाइज़ करना उसके बारे में डिस्कशन करना उसके बारे में कोई रिजल्ट देना या फाइंडिंग बताना नहीं है तो ये पूरे देश के सभी लोग मेरी रिसर्च पॉपुलेशन नहीं होंगे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अगर मेरे रिसर्च का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ और इमोशनल इंटेलिजेंस का उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर मेरा जो रिसर्च का जो एरिया है वो क्या है स्टूडेंट्स अब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी रिसर्च पॉपुलेशन है इसे और डाउन करते हैं हम स्टूडेंट्स में कहते हैं मेल स्टूडेंट मेल को भी नैरो डाउन करते हैं ग्रेजुएट वो लोग जो ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही लोग तो यहाँ पर इस कंडीशन में मेरी पॉपुलेशन क्या होगी वो लोग जो विद्यार्थी हैं मेल हैं और ग्रेजुएट हैं मतलब ग्रेजुएट की परीक्षा पास कर चुके हैं तो टेक्निकली पॉपुलेशन का मतलब हुआ ऑल द मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट रिसर्च के इंटरेस्ट का जो ग्रुप है जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है जिस ग्रुप के ऊपर इस रिसर्च की फाइंडिंग्स को हम लोग जर्नलाइज करने वाले हैं उस पूरे के पूरे ग्रुप के ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ दिस रिसर्च अब पॉपुलेशन uh, के साथ एक समस्या है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है अगर मैं अभी यहाँ पे कहूँ कि स्टूडेंट किसके uh, किसी भी एक यूनिवर्सिटी के द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी तो उस यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी के साइज़ उस यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में पाँच हज़ार इस्टूडेंट हों किसी यूनिवर्सिटी में दस हज़ार इस्टूडेंट हों अगर मैंने फिर भी उसे नैरो डाउन किया और कहा मेल स्टूडेंट फिर भी उसके अंदर अगर हम हाफ हाफ का रेशो भी मानते हैं अगर पाँच हज़ार इस्टूडेंट हैं तो ढाई हजार मेल होंगे ढाई हजार फीमेल होंगे या कुछ थर्ड जेंडर होंगे स्टिल मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट है डेटा कलेक्शन करने के लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा इतने लोगों के पास जाना इतने लोगों से बात करना इन इतने सारे लोगों को अपने रिसर्च के बारे में बताना इतने सारे लोगों को कन्विंस करना अपने डेटा कलेक्शन के लिए एक डिफिकल्ट टास्क है सो so, हम क्या करते हैं इस पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं क्योंकि एक बड़ी समस्या है कि इतने सारे लोगों के ऊपर डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा तो हम लोग इस पॉपुलेशन से एक सैंपल कलेक्ट करते हैं और इस सैंपल पे हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं और इस सैंपल पे जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं उस डेटा कलेक्शन के रिजल्ट की फाइंडिंग्स को हम वापस पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हैं तो so, टेक्निकली हमने क्या किया एक लार्जर ग्रुप uh, को एक ह्यूज ग्रुप से कुछ लोगों को लिया उन लोगों पे रिसर्च की और उन लोगों पे जो रिसर्च जो, की जो हमारी फाइंडिंग्स हाँ, आई उसको हमने वापस जर्नलाइज कर दिया ऑप्शनलाइज किया किसके ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर अब सैंपल और पॉपुलेशन इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ हमें एक और कुछ और कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी हैं। उसमें एक है सैंपलिंग फ्रेम और एक्सेसिबल पॉपुलेशन इसको हम समझते हैं इस पिक्चर के माध्यम से अभी हमने क्या कहा ऑल द मेंबर ऑफ अ कंसर्न ग्रुप क्या हुआ पॉपुलेशन पूरा फ्रेम सैंपल सैंपल फ्रेम का मतलब है इस पॉपुलेशन में से हम एक स्पेसिफिक सेक्शन ले लेते हैं और इस सेक्शन से हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं तो हुआ क्या पॉपुलेशन पॉपुलेशन का एक सब सेक्शन जिसे हमने बोला सैंपल फ्रेम क्योंकि उसी फ्रेम से हम लोग अपना एग्जैक्ट सैंपल ड्रॉ करने वाले हैं जिसपे हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे इसके बाद एक और पॉइंट है हम इसे बोलते हैं एक्सेसेबल पॉपुलेशन एक्सेबल पॉपुलेशन का क्या अर्थ हुआ जैसे अगर मैंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी के जितने मेल स्टूडेंट्स हैं उन पे हमें ये रिसर्च करनी है पूरी यूनिवर्सिटी के सारे मेल स्टूडेंट तो मेरे लिए एक्सेसिबल होंगे नहीं तो मुझे जो मेल स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के एक्सेसिबल हैं हो सकता है कि मेरे कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्टेक्ट्स हों और डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट टू और इन डिपार्टमेंट में जो मेल स्टूडेंट्स हैं इन से मैं अपना सैंपल ड्रॉ कर लू तो मैंने किया क्या मैंने इस पॉपुलेशन से एक एक्सेसिबल पॉपुलेशन ली और इस एक्सेबल एक्सेसिबल पॉपुलेशन से अपना सैंपल ड्रॉ किया तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम कहते हैं सैंपलिंग सैंपलिंग का अर्थ है वो प्रक्रिया जिससे हम पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रॉ करते हैं उस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हम सैंपलिंग जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अभी हम लोगों ने जो बात की वो थी पॉपुलेशन सैंपल फ्रेम एक्सेसिबल पॉपुलेशन एंड सैंपल अब हम इस इसी चीज़ को वापस एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं इस वाले एग्जाम्पल से देखिए जैसे हम मान लिए ये पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन है हमारी अब इस पॉपुलेशन में से हमारी ये वाले जो लोग हैं जो यहां पर लाई करते हैं वो मेरे लिए मान लिया एक्सेसिबल है क्यों क्योंकि मेरी रीच है यहाँ तक और जब मैंने अपना सैंपल कलेक्ट किया तो मैंने इस वाले गोले से जो लोग इस प्लेस पे हैं उससे अपना सैंपल कलेक्ट किया क्यों क्योंकि ये मेरे लिए एक्सेसिबल था ये हुआ एक दूसरा एक हो सकता है सैंपल फ्रेम सैंपल फ्रेम मतलब एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक से उस पॉपुलेशन से एक सैंपल फ्रेम ड्रॉ कर लेते हैं उस सैंपल फ्रेम से फिर हम लोग अपना सैंपल ड्रॉ करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर ये मेरा एक सैंपल फ्रेम है तो अब मैंने जो डेटा कलेक्ट किया वो मैंने यहां से डेटा कलेक्ट किया सॉरी सैंपल कलेक्ट किया तो पूरी पॉपुलेशन में ही एक्सेसिबल पॉपुलेशन है सैंपल फ्रेम है और सैंपल है इसी पॉपुलेशन से हमने एक्सेसिबल पॉपुलेशन ली इसी सैंपल इसी पॉपुलेशन से हमने सैंपल uh, फ्रेम लिया इसी पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया तो हमें कह सकते हैं सैंपल एक्सेसिबल सैंपल सैंपल फ्रेम ऑल आर द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन अब हम लोग बात करते हैं सैंपल के क्योंकि अभी पिछली कुछ स्लाइड्स में हम लोग बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं सैंपल जो बहुत ही आसान लग रहा है कि अगर एक पॉपुलेशन है उसमें कुछ एक्सेसिबल पॉपुलेशन है या एक सैंपल फ्रेम है या उनमें से हमने कुछ लोगों को ले लिया उन पर अपना डेटा कलेक्ट किया और जो उन पर डेटा कलेक्ट किया उससे जो हमारी फाइंडिंग्स आई जो हमारा रिजल्ट आया उसे हमने वापस पॉपुलेशन पर जर्नलाइज कर दिया इम्प्लीमेंट कर दिया तो बहुत ईजी हुआ काम लेकिन ये काम उतना ईजी नहीं है क्योंकि जो सैंपल है इसकी कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं डेफिनेट इट्स ए सबसेट जैसा अभी हमने कहा कि जो सैम्पल है ये पॉपुलेशन से हमने ड्रॉ किया है सबसेट क्यों हम इसे कह रहे हैं क्योंकि इस पूरी बड़ी पॉपुलेशन में से हमने हिस्सा लिया है छोटा हिस्सा सबसेट ले लिया तो हमने बोल दिया सैम्पल इज ए सबसेट ओके बट एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव अब से पहले हम लोग जब सैंपल सैम्पल कह रहे हैं तो एक सैंपल से जो फाइंडिंग्स ड्रा होती हैं वो तभी उस पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज की जा सकती हैं इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं जब वो सैम्पल उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो अब इसी चीज़ को वापस एक बार फिर आखिरी स्लाइड से समझते हैं जैसे ये पूरी पॉपुलेशन थी इस पॉपुलेशन से हमने एक एक्सेसिबल पॉपुलेशन ली और उस पॉपुलेशन से सैंपल लिया तो दो कंडीशन हो सकती हैं एक ये जो पूरी पॉपुलेशन है और ये जो सैंपल है ये सैंपल इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो लेकिन ये कब पॉसिबल है जब जिस एक्सेसिबल पॉपुलेशन से हमने सैंपल ड्रॉ किया है ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हो अगर ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो इस एक्सेसिबल पॉपुलेशन से जो मैं सैंपल लूँगा वो डेफ़िनेटली मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा यूनिवर्सिटीज़ का एक वापस एग्जाम्पल लेते हैं हम हमारा ये रिसर्च का आइडिया था कि जो मेल स्टूडेंट हैं उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर फीमेल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है हमने एक आइडिया लिया इसके साथ रिसर्च की तो हमने ये देखा कि जो हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स थे जो हमारे एक्सेसिबल थे उन एक्सेसिबल डिपार्टमेंट से हमने अपना सैम्पल कलेक्ट किया लेकिन ये जो डिपार्टमेंट थे इसमें जो जेंडर है वो हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है हो सकता है ये वो वो जो दो डिपार्टमेंट हैं जहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्रेशन लेवल लो है ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं रेगुलर प्रैक्टिकल होते हैं रेगुलर एग्जाम होते हैं और आपको नाइन टू फाइव क्लासेस अटेंड करनी होती हैं और आप एक एक स्पेसिफिक एंट्रेंस देके इन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लिए हैं तो ये जो बच्चे होंगे इनका ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में होगा हम ये अज्यूम कर रहे हैं इनका पढ़ाई में होगा इनके पास समय कम होगा बाहर घूमते कम होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो इधर उधर झगड़ा होता है जो एग्रेसिव बिहेवियर होते हैं उनमें इन दो डिपार्टमेंट के बच्चों के रिप्रेजेंटेशन कम होगा लेकिन जब हमने सैम्पल कलेक्ट किया इन्हीं दो डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया तो अब हम क्या अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं सैंपल पे डेटा कलेक्ट करने के बाद कि इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्रेशन का लेवल लो है क्योंकि हमारे सैंपल ने बताया लेकिन सैंपल ने ऐसा एरर क्यों किया क्योंकि ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का डेटा फैक्ट कह रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में रोज़ झगड़े हो रहे हैं रोज एग्रेसिव बिहेवियर शो हो रहा है लेकिन हमारी रिसर्च कह रही है कि यहाँ पर एग्रेशन का जो लेवल है वो कम है गलती कहाँ पर हुई डेटा में नहीं मेज़रमेंट में नहीं रिसर्च के प्रोसेस में नहीं कहाँ पर सैंपलिंग प्रोसेस में सैंपल सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था इसलिए जो हमारी फाइंडिंग्स आई उन्हें हम पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पर एज इट इज जनरलाइज नहीं कर पाएंगे अगर करेंगे तो जो हमारा इंफरेंस होगा वो गलत होगा अब आगे बात करते हैं सैंपल की बाकी कैरेक्टेरिस्टिक्स की जो सैंपल का रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जैसे फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज जिन जिन डिपार्टमेंट से मैंने सैम्पल कलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंटेटिव हूँ बाकी यूनिवर्सिटी के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं बाकी डिपार्टमेंट हैं जेंडर या और कोई भी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक उसका एटीट्यूड उसका परसेप्शन टेक्निकली हमारे कहने का अर्थ है कोई भी ऐसा कंपोनेंट ऐसा वेरिएबल जो उस रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है या उस रिसर्च में जिस वेरिएबल को हम मेजर करने वाले हैं उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए किसका हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ तभी हम इसके रिजल्ट को जर्नलाइज कर पाएंगे अब फिर वापस ये सवाल उठता है कि अगर ये डिफिकल्ट है इसमें एरर्स के चांसेस हैं और हम जो साइंस है और साइंस में जब हम काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो एरर फ्री हो वो हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि साइंस बिलीव करती है कि शुड बी एक्यूरेट प्रिसाइज लेस एरर ऑफ चांस लेस चांसेस ऑफ एरर तो फिर हम ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सिस लिमिटेड टाइम हमने अभी क्या कहा जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी ह्यूज उसमें कितने लोग हैं बहुत सारे लोग हैं उन बहुत सारे लोगों के पास जाना उनसे डेटा कलेक्ट करना उनसे बात करना अपने रिसर्च के लिए उन्हें कन्विंस करना उनका कंसेंट लेना बहुत बड़ा टास्क है तो हमने क्या किया था सैंपल लिया था तो कारण क्या हुआ सैंपल लेने के हमारे पास टाइम कम है रिसोर्सिस कम है अगर हमें पूरी पॉपुलेशन पर डेटा कलेक्ट करना होगा तो हमें बहुत टाइम चाहिएगा हमें बहुत रिसोर्स चाहिए होंगे और उसके बाद ही हम अपनी पूरी पॉपुलेशन पर डेटा कलेक्ट कर पाएंगे उसके बाद तीसरा कारण है देखिए प्रैक्टिकली यहाँ पर तो सिर्फ हमने स्टूडेंट्स को लिया था प्रैक्टिकली जब हम रिसर्च करते हैं तो लार्जर पॉपुलेशन की बात करते हैं और लार्जर पॉपुलेशन पे प्रैक्टिकली सब लोगों के पास जाना बात करना उनसे डेटा करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं सैंपल कलेक्ट करते हैं लेकिन सैंपल कलेक्ट करते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना होता है यही जो हमने अभी डिस्कस किया है कि सैंपल कैसा होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव तो सैंपल कैसा नहीं होना चाहिए बायस नहीं होना चाहिए बायस सैंपल किसको कहते हैं जैसा हमने अभी उदाहरण दिया कि अगर मेरे उस डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट हैं तो मैंने उस डिपार्टमेंट से सैंपल कलेक्ट कर लिया तो ये सैंपल कैसा हुआ बायस्ड क्यों क्योंकि मेरी एक्सेसिबिलिटी थी ये एक एक चांस फैक्टर है दूसरा हो सकता है बायस क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे दोस्त हैं मैंने इन पे डेटा कलेक्ट कर लिया वो भी कैसा डेटा हुआ बायस क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी कम है रिप्रेजेंटेशन की तो ये दो इशू हैं जो हमें सैम्पल कलेक्ट करते हुए ध्यान रखने चाहिए उसके बाद और दो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हमारा जर्रलाइबिलिटी कम होती है वह सैम्पलिंग एरर जो हमने अभी डिस्कस किया कि सैंपलिंग सैंपल ड्रॉ करते हुए पॉपुलेशन से जो भी तरह की हम गलती करते हैं उसे हम कहते हैं सैंपलिंग एरर इसके बाद है बाई चांस कभी कभी बाई चांस भी जो हमारा सैंपल uh, है वो बायस हो सकता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है जैसे हमने कोई सैंपलिंग एरर नहीं की चाह के कोई बायस नहीं किया हमने बिल्कुल रैंडम सैंपलिंग की हो रैंडम सैंपलिंग हम आगे डिस्कस करेंगे लेकिन बाई चांस जैसे रैंडम सैंपलिंग कहती है कि अगर सिक्के को मैं उछालूंगा तो हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 50 50 परसेंट लेकिन कोई भी सिक्का है उसे मैंने अगर पांच बार उछाला तो जरूर दस बार उछाला तो ज़रूरी नहीं है पांचों बार हेड और पांचों बार टेल आए ये कैसे एरर से? तो है बाई चांस तो कई बार जब हम सैंपल ड्रॉ करते हैं तो बाई चांस हमारे पास सैंपल का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन uh, का रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाता उसे हम बोलते हैं बाई चांस रीज़न बाई चांस बाई चांस सैंपलिंग एरर के बाद अब हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हम बार बार कुछ वर्ड यूज़ कर रहे थे जिसमें एक वर्ड था जर्नलाइजेशन जर्नलाइजेशन हम कब कह रहे थे कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन से हमने सैम्पल कलेक्ट किया सैम्पल पे हमने डेटा कलेक्ट किया उसकी जो फाइंडिंग आई उन्हें हमने किस पे जर्नलाइज किया वापस पॉपुलेशन पर तो जर्नलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं वो हमारी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल हों जैसा अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर हमारा बाइस सैंपल है और हम कह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एग्रेशन लेवल लो है लेकिन जस्ट कि वो लेवल नहीं है तो जो हमारी फाइंडिंग्स है वो क्या है एप्लीकेबल नहीं है किस पर हमारी पॉपुलेशन पर उस यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स पर उसके बाद जब हम कहते हैं कि हमने सैंपल रिप्रेजेंटेटिव था तो जो उस पर जो फाइंडिंग्स आई हैं वो किसके लिए रियल है पॉपुलेशन के लिए भी अगर हमारे सैंपल ने हमारी पॉपुलेशन को एज इट इज रिप्रेजेंट किया है तो जो हमारा जर्नलाइजेशन है वो रियल होगा एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी शॉप पर ऐसी चीजों को लगा के रखते हैं जब शॉप पे लगा के रखते हैं तो वो कहते हैं कि आप इसमें से देख लीजिए तो आप क्या करते हैं वो जो चीज़ होती है जैसे गेहूं की बोरी है आपको लेना है गेहूं का आप क्या करेंगे उस बोरी में से उस गेहूं को दो चार बार वापस शफल करेंगे और उसमें से एक मुट्ठी गेहूँ निकालेंगे और उसकी क्वालिटी चेक करेंगे तो अगर वो जो मुट्ठी में गेहूँ निकाला है उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप ये अज्यूम करते हैं कि इस बोरी में जितना भी गेहूँ है वो अच्छी क्वालिटी का होगा क्योंकि आपने सैंपल जो लिया है वो रिप्रेजेंटेटिव लिया है तो हम क्या कर सकते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने कहा गेहूं अच्छा है तो हम उसको पूरी पॉपुलेशन पर यहाँ पे पॉपुलेशन है हमारे वो पूरी गेहूं की बोरी उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन करेक्टरिस्टिक्स को उसके बाद है बट ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड कर रही हैं हमारी रिप्रजेंटेशन पर अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं जर्नलाइजेशन तो जर्नलाइजेशन के तीन प्रकार होते हैं पहला सैम्पल टू पॉपुलेशन जिसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो सैंपल पे जो हमें रिजल्ट आई है जो फाइंडिंग्स आई हैं उसे हम एज़ इट इज़ एप्लीकेबल और जनरलाइज कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं पॉपुलेशन पे उसके बाद दूसरा जनरलाइजेशन होता है एक स्टडी से दूसरी स्टडी के लिए जब हम कोई प्रयोग करते हैं कोई स्टडी करते हैं कोई शोध करते हैं तो वो स्टडी दूसरी स्टडी के लिए एक पार्ट बनती है या एक स्टडी में जो फाइंडिंग आई है हमारी दूसरी स्टडी उन फाइंडिंग को सपोर्ट करती है या रिजेक्ट करती है तो जर्नलाइज जब एक स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं वो दूसरी स्टडी पर भी जर्नलाइज की जा सकती हैं उसके बाद आखिरी जर्नलाइड जर्नलाइजेशन का टाइप है जिसे हम बोलते हैं लैब टू रियल कंडीशन जैसा हमने पहले लेक्चर में डिस्कशन में बोला था कि अगर जो एवरेज है कार का बाइक का जब उसे आप लैब में टेस्ट करते हैं तो वो डिफ़रेंट होता है और जब आप उसे रियल सिचुएशन में आप उसे मेज़र करते हैं तो डिफरेंट होता है क्यों क्योंकि जो लैब में हमारा जो डेटा कलेक्ट हुआ है और जो रियल कंडीशंस हैं उनके कॉन्टेक्ट्स में कंडीशन में बहुत डिफरेंस है तो अगर हमारी जो डेटा है हमारी जो कंडीशंस हैं वो लैब की और रियल कंडीशनस की अप्लीकेबल हैं तो उसे हम कहते हैं लैब टू रियल कंडीशन जर्नलाइजेशन आज के लिए इतना ही धन्यवाद हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे थैंक यू